हेलो नमस्ते सतरीकाल दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपका फ़ोन खो गया तो आपने गुमे हुए फ़ोन को किस तरह से ढूंढ सकते हो, और वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। दोस्तों मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा अपने ये पीसी में। दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए आगे, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हो टेक्निकल वर्ल्ड ऑफ। अब हम मेरे एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन पर हैं, चलिए आप शुरू करते हैं। हम खोलते हैं पहले गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पर क्लिक करने के बाद आपको URL में टाइप करना है गूगल, ताकि हम पहुंच जाए गूगल के होम पेज पर। गूगल के होम पेज पर पहुंचने के लिए मैं जल्दी टाइप करता हूं। चलिए पहले लिंक पर क्लिक करते हैं, और पहले लिंक पर क्लिक करने के बाद गूगल का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ ऊपर राइट में आपको मिलेगा ऑप्शन माई अकाउंट। माई अकाउंट पर जाने के बाद आपको मिलेगा फाइंड माई फ़ोन। कमाल है, फाइंड माई फ़ोन को ही फाइंड करना है। अब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका फ़ोन ली टीवी का। ये देखिए मेरा फ़ोन है ली टीवी V2 का। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका लास्ट सिम भी लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपसे ये मांगेगा पासवर्ड। चलिए सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं इसको आपको नहीं दिखा सकता, मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। ये किया मैंने अपना पासवर्ड एंटर। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको हिट करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर हिट करने के बाद जैसे ही आपको वापस आएगा कन्फर्मेशन मैसेज, आपको कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, यस कीजिएगा। यस करने के बाद आप आ चुके हैं यहाँ पर इस पेज पर। इस पेज पर आपको आने के बाद ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर सिंक और लोकेट का। चलिए मैं लोकेट पे क्लिक किया, लेकिन लोकेट पर जाने से पहले हमको फिर से डालना पड़ेगा पासवर्ड और सिक्योरिटी रीजन। आई कांट शो माई पासवर्ड, तो नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब हम आ चुके हैं इस पेज पर, जहाँ पर आपको मिलेंगे ऑप्शन। यह है गूगल मैप। ये देखिए हमारा इंडिया दिखा रहा है, फिलहाल ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है मेरे फ़ोन से। ये देखिए मेरे फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद इसने दिखाया मैंने एड्रेस, जो कि है UP मुरादाबाद, और यहाँ पर दिखाया है फ़ोन की परसेंटेज। यहाँ पर आप फ़ोन की परसेंटेज भी देख सकते हो, और फिर मैं कहीं आप लैपटॉप में करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कैसे कर सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं मेरे PC पर। अब हम हैं मेरे PC पर। इस PC में आपको बताऊंगा मैं बाकी का प्रोसेस, कि किस तरह से आप अपने PC में ढूंढ सकते हो अपने स्टोलन फ़ोन को। स्टोलन फ़ोन को ढूंढने के लिए आपको फिर से गूगल के होम पेज पर जाना पड़ेगा। चलिए हम टाइप करेंगे गूगल, ये लिखते हैं यहाँ पर गूगल, और गूगल एंटर करने के बाद मैं हिट करता हूँ एंटर। हिट एंटर करने के बाद यहाँ पर पेज अपीयर होगा। इस पर क्लिक करना है पहले ऑप्शन पर, गूगल पर। गूगल के होम पेज पर आ चुके हैं हम। गूगल के होम पेज पर पहुँचने के बाद हम यहाँ पर ऊपर राइट पर फिर से वही ऑप्शन आ रहे हैं। हम उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा मेरा माय अकाउंट। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर माय अकाउंट का ऑप्शन है। माय अकाउंट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें फाइंड माय फ़ोन को फाइंड करना है। अगेन दैट वाज गुड जॉब। हाँ, यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा आपको। ये देखिए फिर से आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ हमने क्लिक किया, हम नेक्स्ट पेज पर अपेयर हो चुके हैं हम। यहाँ पर आपको फिर से आपका फ़ोन दिखाएगा, पूरा मॉडल दिखाएगा, और फिर यहाँ पर आपको आपका लास्ट सीन भी दिखाएगा। ये मेरा लास्ट सीन दिखा रहा है। चलिए
हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर अपील कर देगा ये। यहाँ पर पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है अपना पासवर्ड। तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक किया, हो रही है प्रोसेसिंग। हम पहुँच चुके हैं अपने अगले पेज पर। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, रिंग का और लोकेट का। तो आप रिंग कर सकते हो और लोकेट भी कर सकते हो अपने फ़ोन को। चलिए रिंग का मैं बाद में दिखाता हूँ आपको, पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि आपको अपने फ़ोन को लोकेट कैसे करना है। चलिए हम क्लिक करेंगे अब लोकेट पर, ताकि हम पहुँच जाएँ गूगल मैप पर। ये मैंने लोकेट पर क्लिक किया, हम पहुँच चुके हैं गूगल मैप पर, जो कि नेक्स्ट टैब खुल चुकी है। नेक्स्ट टैब में आपको गूगल मैप पर जाने से पहले आपको डालना पड़ेगा पासवर्ड। मेरे पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ मैं, हो रही है प्रोसेसिंग और खुल चुका है हमारा गूगल मैप, मतलब कि खुलने वाला है हमारा गूगल मैप। यहाँ पर मेरे फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए मेरा मॉडल भी बता रहा है, पूरा डुप्लीकेट बनकर आ गया है मेरे फ़ोन का। ये देखिए इसने लोकेट कर लिया। ये है मेरा एड्रेस, मुरादाबाद यूपी। और यहाँ आपको बताएगा आपका परसेंटेज, आपके फ़ोन की परसेंटेज, आपकी नहीं मतलब आपके फ़ोन की परसेंटेज। ये देखिए यहाँ पर मेरा एड्रेस दिखा रहा है। यहाँ पर आप चाहे तो जूम कर सकते हो, जूम किया, मैं आपको पूरा जूम करके नहीं दिखा सकता। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा प्ले साउंड का ऑप्शन। प्ले साउंड पर क्लिक करने के बाद होगा यूं कि यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में बजेगी रिंग, ताकि आप अपने फ़ोन के पास पहुँच जाओ तो उसको करना रिंग। और जैसे ही आपका फ़ोन बजेगा आप उसको ढूंढ सकते हो कि वो किस इंसान के पास है, आपका फ़ोन किसने चुराया है। और फिर आपको तो पता ही है बाकी आगे क्या करना है, मार धाड़। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, मेरा मतलब पुलिस को फोन वगैरह वगैरह। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ, ये है लॉक का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डालना है मैसेज, रिकवरी मैसेज, जो कि आपके फ़ोन के लॉक स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पर जो मैसेज आप डालोगे आपके लॉक स्क्रीन पर शो होगा। और नीचे लिखा है फ़ोन नंबर, यहाँ पर वो फ़ोन नंबर डालना है आपको जिस पर आप चाहते हो कि इंसान का कॉल आए जिसने आपका फ़ोन चुराया। तो यहाँ पर वो नंबर डालिए जहाँ पर जिस पर आप चाहते हो कि कॉल आए। उस फ़ोन में अगर नया नंबर डाला है तो उस नंबर से। चलिए फ़िलहाल मैं अभी इसको ऐसे रहने देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो इसको अपने घर पर, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपको इसके आगे की चीज़ें दिखाता हूँ, आई मीन उससे आगे के ऑप्शन दिखाता हूँ, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इरेज का। इरेज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पढ़ सकते हो, ये आपका डाटा परमानेंटली डिलीट कर देगा, आपका डाटा परमानेंटली डिलीट कर देगा। इसलिए मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पासवर्ड और मेरे फाइल्स वगैरह डिलीट हो जाएँ। चलिए फिलहाल हम बैक चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस लिखे लिखे हुए हैं, नीचे दिए हुए हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने लास्ट टाइम क्या क्या किया था, आपके फ़ोन में क्या क्या हुआ था, ये सब वही बता रहा है, आपकी सारी एक्टिविटीज़। चलिए नेक्स्ट क्लिक हैं, ये देखिए अब ये है वो स्क्रीन जो होगी लॉक, जो आप करोगे। ऊपर कंफर्मेशन मैसेज, नीचे ग्रीन बटन, जिस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही जो बंदा इस पर क्लिक करेगा पहुंच जाएगा उस नंबर पर कॉल जो एंटर किया है आपने, जो एंटर आपने किया है इस जगह पर। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर अपने फ़ोन को कॉल करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से अपना जो अकाउंट है गूगल अकाउंट, उसको सिंग आउट कर सकते हो, लेकिन आपको सिंग आउट करने से पहले मैं सलाह दूंगा कि आप पहले उसको फाइंड कर लीजिए। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी ऑप्शंस और हैं, जिससे आपके
जो कॉन्टैक्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे और दिखेंगे नहीं। और नेक्स्ट ऑप्शन जैसा कि आपने देखा, यह है आपके डाटा को रीड करने के लिए। तो आई होप दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे सारा ऑप्शंस कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। एंड्रॉयड फ़ोन में मैंने बताया आपको, पीसी में बताया। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे और आगे की बात भी आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ। लाइक सब्सक्राइब शेयर और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बताइए कि मुझे आपको क्या देना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, ताकि मैं आपको दे सकूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट। प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा।